कह रहा हूँ, मैं तो बिल भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन न्यायपालिका का सम्मान किया। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान के साथ काम किया, स्वामी सहजानंद के सपनों को लेकर के संघर्ष किया है। लालू यादव ने जितना क्षति नहीं पहुंचाया इस राज्य की संस्थाओं को, नीतीश कुमार की सरकार ने संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। परसों जहानाबाद के कोर्ट से मुझे सजा हुई, 3 साल की सजा। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन न्यायपालिका का सम्मान किया। इस सरकार के कारण न्यायपालिका पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि न्यायपालिका ऐसे बर्बर तानाशाह राजतंत्र के प्रतिनिधियों के खिलाफ वही एक अंतिम लौ, प्रकाश का वही लौ है इस अंधकार में, इसलिए मैंने कोई डिफाई नहीं किया। मैं जेल जाना चाहता, लेकिन हमारे साथियों ने कहा नहीं है, बेल बॉन्ड भर दीजिए। मैंने भर दिया, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ, आप या हम सब दिन के लिए नहीं हैं, यह लोकतंत्र की जननी है, यह सम्राट अशोक की भूमि है, यह चाणक्य की भूमि है। इन शिखंडियों के सहारे आप अरुण कुमार की आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, हम शहीद होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिन शिखंडियों को जो आबरू बेच करके सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं, इन लोगों से डरने वाला नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का एक सिपाही हूं। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान के साथ काम किया है, स्वामी सहजानंद के सपनों को लेकर के संघर्ष किया है। जिस दिन हम नीतीश कुमार के साथ थे और ये कानून बना रहे थे सरकारी काम में बाधा वाला, तो हम कह रहे थे ये भ्रष्टाचार को रोकेगा, ये सरकारी काम में बाधा वाला जो कानून है भ्रष्टाचार के लिए आप कवच दे रहे हैं, विश्वविद्यालय मरेगा, महाविद्यालय मरेगा, स्कूल मरेगा, शिक्षक मरेंगे। और वही हुआ, लालू यादव ने जितना क्षति नहीं पहुंचाया इस राज्य की संस्थाओं को, नीतीश कुमार की सरकार ने संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। आप समझ जाइए कितने नकली लोग हैं। तो लोकतंत्र के मूल्यों को, यही आवाज है, और आवाज मैंने अन्याय के खिलाफ, जिस दिन मैं भाजपा के कार्यालय में ये बोल रहा था, दूसरे दिन, मैं अफसरों का नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने फोन करके कहा, फोन विड्रॉ कर लिया गया। भाई मेरे शब्दों में कौन सा जादू था, इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हैं, और ये अन्याय किसी एक जाति विशेष पर उन दिनों था, आज तो सारे महिलाओं पर ये शासन यही काम करवा रहा है। चूंकि सत्ता में ऐसे भ्रष्ट चरित्रहीन लोग बैठे हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जिस राज्य में शिक्षक मरता है, भूखे मरता है, वहां शैतान पैदा लेता है। एक जो पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मारा गया, इसमें बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई नेता हैं, चरित्रहीन लोग हैं, और जिसको सत्ता ने बचाने का काम किया।